बालकोंड नियोजकवर्गम वेल्पूर मंडलम लक्कोर ग्राम एएनजी फंक्षन हाल्लो नियोजकवर्ग मुस्लिम मैनारिटी मस्जिदुल अभिवृद्धि कोसम 3 कोट्ल निधुलतो मंजूर प्रोसीडिंग कापीलनु राष्ट्र होमशाख मंत्री महमूद अली तो कलिसि राष्ट्र रोड्ल भवनाल शाख मंत्री वेमुल प्रशांत रेड्डी मस्जिद कमिटी सभ्युलकु अंदजेशारु। नियोजकवर्ग नलमूल नुंचि 2000 पैगा ముస్లిం మైనారిటీలు తరలివచ్చారు। మా మంచి కోరే మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డికి మా మద్దతని మైనారిటీ ప్రజలు అన్నారు। వచ్చే ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని వారి ఐక్యతను ప్రదర్శించారు। ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి మాట్లాడుతూ ముస్లిం బిడ్డకు రాష్ట్ర తొలి డిప్యూటీ సీఎం రెండోసారి హోంశాఖ మంత్రి పదవులను ఇచ్చి యావత్ తెలంగాణ ముస్లిం మైనారిటీ ప్రజలను గౌరవించారని అన్నారు। इतने सारे मेरे मुसलमान भाई लोग मुझे दुआ देने के लिए आए हुए और मेरा बहन लोग भी आए हुए, माफ करना भाई। तो मैं समझता हूं ये इसलिए ये कोई पॉलिटिकल बात से ज्यादा जैसे केसीआर साहब ने ये तेलंगाना स्टेट में हर मुसलमान भाइयों को बहनों को जो दिल से चाहते हैं वैसे आप लोग भी हमें दिल से चाहने लगे। मैं सच बोलता हूं कि मैं केसीआर साहब से हर दिन रहने वाला आदमी हूं। वो ऐसे आदमी है कि ये दुनिया में सारे दुनिया में हर कोई ट्रू सेक्युलर लीडर है बोले तो नंबर वन ट्रू सेक्युलर लीडर केसीआर। हाँ कार्रवाई ये होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के लिए पब्लिक के लिए बहुत सारे कार्रवाई होते हैं मगर वो होते हुए भी ऐसा एक मतलब किसी से हमारे माइनॉरिटी लोगों को मुसलमान लोगों को अगर धक्का लगा रहे तो उन्होंने चुप नहीं बैठने वाले और कभी भी सपोर्ट नहीं करे इसको कभी भी। वो ट्रू सेक्युलर है बस ये चाहते हैं केसीआर साहब ये चाहते हैं कि ये मुल्क में जैसे मैं समझता हूं ये इसलिए ये कोई पॉलिटिकल बात से ज्यादा जैसे केसीआर साहब ने तेलंगाना स्टेट में हर मुसलमान भाइयों को बहनों को जो दिल से चाहते हैं वैसे आप लोग